निफ्टी सेंसेक्स में 1% का करेक्शन, 5 फैक्टर ऑफ फॉल, इन्वेस्टर को यहाँ पे बच के रहना चाहिए। 20 जुलाई के ट्रेड में निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में जो है 1% का करेक्शन हुआ। बुल सेंटीमेंट से निकलकर मार्केट जो है बियरिश फेज में जो है जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में जो है क्वेश्चन आ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन से वो 5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है नीचे जा रहा है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे की जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट नहीं ओपन किया, आप कहीं और हैं, तो इस रिलायबल ब्रोकर के साथ जरूर अकाउंट ओपन कीजिए। 1 ईयर फ्री MC, स्मॉल केस, स्मार्ट API, 20 फ्लैट ब्रोकरेज, जो आपका ब्रोकरेज है सेम वही है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, डिलीवरी में कोई चार्जेस नहीं है, बाकी सबके लिए 20 फ्लैट है। और सबसे बड़ी चीज, इसके ऑफिसेस आपको पास में मिलेंगे, सर्विस आपको हर ब्रोकर से बेटर मिलेगी। और भाई ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 5 फैक्टर ऑफ फॉल क्या है हमारे। तो सबसे पहले ग्लोबल क्यू पे हम लोग फोकस करेंगे। दुनिया में जो है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से है, फिर से इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो कम होने के चांसेस जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। इस डर की वजह से जो है USA का जो S&P NASDAQ ने जो है एक दिन में सबसे बड़ा जो है फॉल रिकॉर्ड हुआ। मई के बाद का जो है सबसे बड़ा फॉल था। एशिया पैसिफिक जोन में भी ऐसा जो है फॉल देखा जा रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में जो है 700 पॉइंट का जो है फॉल हो गया, यानी कि कोविड जाके भी नहीं गया है, उसका डर और वापस आने का चांस, दोनों की वजह से जो है मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का क्या होगा ये सिर्फ टाइम ही बताएगा। होप फॉर बेस्ट, तब तक वोलेटिलिटी जो है यूं ही चलती रहेगी। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सेकंड फैक्टर है, वो है वैल्यूएशन वरी। मार्केट में अभी सबसे बड़ा डर ये है कि कंपनी के वैल्यूएशन ऑलरेडी वर्स से ज्यादा हो रखे हैं, इसलिए जब भी थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज आएगा मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा और करेक्शन देगा, क्योंकि इन्वेस्टर मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर बैठा है और उसको यहाँ पे ये चाहिए कि प्रॉफिट को बांधना शुरू कर दे। ऐसे में जब भी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आएगी तो लाजमी है कि प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही है, इसलिए एडवांस में कीजिए। कुछ लोगों को ऐसा भी यहाँ पे ये कहना होगा कि करेक्शन मार्केट के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन को करेक्ट होना ही था, इसलिए इसके साथ बहुत ज्यादा लॉस की जगह पे धीरे धीरे करेक्शन होना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होगी। अच्छी बात तो होगी उनके हिसाब से, लेकिन इन्वेस्टर के हिसाब से गड़बड़ होगी, और स्पेशली उसके लिए जिसको एनालिसिस नहीं आती है, उसको ये लगेगा करेक्शन है और मार्केट देगा वहां पे धोखा। हो सकता है कि मार्केट वो रेट 4-5 सालों तक ना दिखाए और वो बंदा सोच रहा हो कि अगले हाई में बुक कर लूंगा, इसलिए भाव भगवान छे, रेट है, बुक करना है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है FPI सेलिंग। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने जुलाई में जो है लगभग 4300 करोड़ का जो है मार्केट में माल सेल किया। क्यों है ये सेलिंग? शायद ग्लोबल क्यू को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी की हालत को देखते हुए पैसा जो है निकाल रहे हैं। लेकिन सिर्फ पैसा निकालना ही नहीं, डेब्ट मार्केट में लगभग 3000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट भी किया है FPI ने, यानी कि टोटल में 1200 करोड़ के आसपास का पैसा इंडियन मार्केट से बाहर गया है जुलाई में। फॉल का एक मेजर रीजन है मैक्रो फैक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एंड जॉबलेस इज ऑन द राइज, फ्यूल प्राइजेस भी बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। इन सब रीजन से इन्वेस्टर सेंटिमेंट निगेटिव हो गया है। ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर के पास पैसों की कमी हो, जो वो शेयर बेच कर निकल रहे हो, और इसलिए ओवरऑल क्रैश देखा गया है जुलाई में, और पॉसिबल है कि आगे भी देखा जा सकता है। टेक्निकल रीजन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी ने हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक एंड 2G पैटर्न जो है बनाया था 20 जुलाई को, जो एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है आने वाले फॉल का। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि बाकी फिजिकल रीजन को जस्टिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स के लिए कि क्या होगा तेरा, क्या होगा आने वाले दिनों में मार्केट का। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे निफ्टी के लिए। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो 15600 को सपोर्ट लेवल के तौर पे मान ले और उसको सपोर्ट ले ले, तो फिर हम 15900-16000 के लिमिट जो है देख सकते हैं, हम उस लेवल को हिट कर सकते हैं। बट 15900 मेरे हिसाब से होगा इस बार, 900 ही होगा मैक्स, 16000 के लिए थोड़ा सा सेंटीमेंट चाहिए होगा, या फिर 15400 का जो सपोर्ट है वो टच करेगी। और मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट जो है एक्टिव हो चुके हैं कई लोगों के 15445 का। सो मेक श्योर डेट एंड प्लीज नोट दिस लेवल। और इन दोनों केसेस
के होने में ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है और गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा जो है हाथ होने वाला है। अगर सरकार कंट्रोवर्सीज में फंस गई और इकोनॉमी पॉलिसी एंड रिलीफ मेजर में कुछ अच्छा खासा डिक्लेरेशन यहाँ पर नहीं दे पाई तो डेफिनेटली मार्केट जो है शायद बुल सेंटिमेंट को पकड़ के जो है काफ़ी समय तक जो है नहीं रह पाएगा। यहाँ पे जो है मार्केट बियर ग्रिप में चला जाएगा अगर कुछ भी यहाँ से पॉलिसी में जो है पॉजिटिव नहीं आया या मार्केट के हिसाब से नहीं आया। तो बाकी आगे की सारी अपडेट के लिए आप इक्विटी एडवांस प्रेडिक्शन को जरूर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो फायदे ही फायदे मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।